बुधवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में प्राइवेट चिकित्सा संगठन के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ललित नारायण मिश्रा रेलवे चिकित्सालय के मुख्य आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य, मजबूत हड्डियों और लचीले जोड़ों दर्दों के समाधान और उपाय के बारे में चर्चा किया। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के पारंपरिक वर्षों में ही उसके पूरे जीवन में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम का निर्माण होता है। 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अपने भोजन, जीवन शैली, व्यायाम आदि से अपने बोन बैंक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जमा कर लेता है, वही आगे इसकी पूरे जीवन में काम आता है और इसकी कमी की स्थिति में हड्डी और जोड़ों के कमजोर होने पर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि 20 से 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी पौष्टिक आहार के साथ लेना आवश्यक है। धूम्रपान, अल्कोहल, कोला पेय पदार्थ, कैफीन युक्त पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए, जो हड्डियों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर कार्यशाला में डॉक्टर नदीम अरशद, डॉक्टर स्मिता जायसवाल, डॉक्टर एपी शाही, डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर अर्चना शाही सहित अन्य प्रतिष्ठित डॉक्टर मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा, also and reducing the risk of osteoarthritis of hip market में available है, अगर आप चाहिएगा तो देख लीजिएगा। जो पुराने traditional seat commodes होते हैं, now they are उस सीट कमोड में आगे की तरफ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसपे आप कुछ स्क्वाट और कुछ सीटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंड दैट प्रोटेक्ट्स योर नीज एज वेल एज हिप्स। सो दिस इज द रोल ऑफ एक्सरसाइजेस इन जॉइंट्स इन दैट। देन अनदर पार्ट इज हाउ टू प्रिवेंट फॉल्स एंड इंजरीज। प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइजेस बिफोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। मैंने बहुत दफे देखा हम लोगों की उम्र के 40, 50, 55, 60 साल के लोग, लड़के ने, बच्चे ने उचकाया, बैडमिंटन खेलने निकल गए, क्रिकेट खेलने निकल गए, कोई वार्म अप नहीं, मसल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू सफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट वार्म अप योरसेल्फ, मेक योर मसल्स एक्टिव, ओनली देन एंड देन गो फॉर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अदरवाइज यू आर बाउंड टू सफर फ्रॉम इंजरीज। डू दैट द वर्क प्लेस, हैव ए स्पीड कंट्रोल, डोंट हाइपर स्पीड, ओबीड ट्रैफिक रूल्स, and end of lease. There are another new device which has come into the market. Aap jab chaliye phiriye, hip protect kar liye, because the most common fracture is said to be fracture back femur. Aur duniya agar sharni hai, to aap ko pain hoga. This will relieve your pressure upon the knee joint and thus will reduce the incidence of osteoarthritis. ठीक है, सहारा ले लीजिए ताकि आपका नी प्रोटेक्टेड रहे। सीवियर A joint gets swollen, it gets warm or hot. That means inflammation is going on. It may be infective, it may be a weakness of the joint, especially of hands in a young lady, in early morning, is typically indicative of bruise. In rheumatoid, these small joints of foot and toes are affected. और अगर आपके पास कोई लड़की आती है 15-20 साल की और कहती है सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे लगता है मेरे जॉइंट में सीमेंट लगा है, अकड़ जाते हैं, आपको इंडियन स्टाइल लैट्रिन से उठने में तकलीफ होने लगे, या जब आपको सीढ़ियां चढ़ते उतरते आपके फ्रंट ऑफ नी पे पेन और डिस्कम्फर्ट होने लगे, यू टेक इट, यू हैव गॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस अंडर इवोल्यूशन। These are the earliest recognized symptoms of degenerative arthritis. आप थोड़ा elderly लोगों में देखिए, joint के ऊपर हाथ रखिए, उससे कभी यह joint चलाओ, चर रंबर जैसे सूखी साइकिल का पहिया चलता है, चर रंबर आने लगती है। ये चर रंबर is nothing but wearing of articular cartilage, rubbing of the underlying bones against each other, that gives a crunchy feeling. You suspect some joint problem is there. If it is destroyed, this is an indication for going us for surgery. ठीक है, नाइट क्राइज स्पेशली इंपॉर्ट स्पाइन। यू बस जब सिर रात में आराम से सोए, रात में अचानक नींद खुल जाती है और सीवियर दर्द शुरू हो जाता है। पेशेंट कहता साहब रात में 10-11 बजे खाना खा के सोए, बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक 1-2-3 बजे क्या हुआ, एकदम से दर्द कमर में उठा, मैं उठ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि योर स्पाइन इज प्रोटेक्टेड बाय द मसल्स। वंस यू गेट अ रिलैक्स स्लीप, मसल्स रिलैक्स एंड दोज इन्फ्लेम्ड जॉइंट सर्फेसेस और बोन सर्फेसेस दे कम टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस अ पेन व्हिच इज कॉल्ड अ नाइट क्राइज। नाइट क्राइज आर ए
good indication of the level of inflammation present in your bones and joints. 60 to 90 ml, it is a drug, और कहते हैं और उसमें भी जो अच्छी चीज है वो बियर बिकॉज इट वॉशेस ऑफ योर बॉडी. तो इसलिए एल्कोहल के बारे में, हाँ 90 ml के ऊपर आप जाते हो तो फिर आपके न्यूरो इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, योर हेड बट इन बियर मेमोरी सेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, बट अप टू 60 टू 90 इज अ ड्रग, इट इज अ कार्डियोटोनिक, इट इज अ बैकग्राउंड प्रोटेक्टिव, इट इज अ न्यूरो. मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप आज से एल्कोहल लेना शुरू कर सकते, बट दोज ऑफ यू हु आर इन हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग दिस एल्कोहल दे कैन go up to 60 to 90 ml, don't increase the limit, don't increase the dose, and whatever alcohol you take, one more thing about green tea, there are different etiquettes, pata nahi aap logon ko kitne logon ko malum hai, kitne logon ko nahi malum hai, to drinking etiquettes hote hain, kehte hain apne drinks ko aaram se, log kya karte hain bottle kholi aur chada diya, that is mostly. It should be the level of alcohol in body should be fine. आराम से पियो और साथ में कुछ फूड भी लेते हैं तो ताकि एसिडिटी ना हो, ठीक है. और बियर, एक बोतल बियर बहुत हेल्पफुल है. अब तो बियर का रोल बहुत जगह आ गया, लेडीज में तो बार बार होने के लिए बार बियर का इस्तेमाल होने लगा है, इंक्रीज द शाइन एंड ग्लेयर ऑफ हेयर ऑल्सो. सबर 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 जो साई कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, मुझ पे श्रद्धा रखो और सबर, एक साल में ठीक. जस्ट एश्योरेंस इन पेरिया दैट इज प्रीटी प्रीटी गुड सजेशन फॉर ट्राइंग दैट इज ठीक तो से हो रही है. पालकी इज ऑलवेज बेटर इफ यू कैन मेक इट. हम हिंदुस्तानियों में पालकी मारने की आदत खत्म होती जा रही है. वो पहले पत्थर बिछा के खाना खाते थे, बैठ के पालकी का पूजा भी करते थे, अब सब खत्म होती जा रही है. वी आर हैविंग स्टिफ हिप एंड नी बोथ. अगर आप नहीं बैठ पाए तो बिल्कुल डोंट ओवर स्ट्रेस बिकॉज यू विल देन हैव बियर्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है. ये हमेशा एडवाइजेबल है, पालकी मार के बैठना हमेशा एडवाइजेबल है, क्योंकि अगर आप योग में देखें तो आपके जितने चक्र होते हैं, सात चक्र होते हैं मूलाधार से लेकर के ऊपर आज्ञा चक्र तक, वो सब बॉडी का सर्कुलेशन पूरा हो जाता है. और जो है पोस्चर कहते हैं, मुद्रा जिसे कहते हैं, वो आपकी पूरी पूरी बॉडी के एनर्जी को बना देते हैं. नर्व प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन में ये एक CME प्रोग्राम था जिसमें हड्डी को कैसे मजबूत और लचीला रखें इस विषय में जानकारी दी जानी थी, क्योंकि अब से दो दिन पहले वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे था, जो इसी चीज़ को बार बार है, उसी के कंटेक्स्ट में ये आज एक कार्यशाला रखी गई थी जिस पे मैंने इन लोगों को इस संबंध में जानकारी दी कि आप अपने जीवन में अपनी हड्डी करने के लिए, जोड़ों को लचीला बनाए रखी है. और मैंने ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुरू के 25 साल जो है वो कैल्शियम जमा होता है, उसके बाद वही जमा कैल्शियम उसके पूरे जीवन में काम आता है. और अगर ये कैल्शियम कम जमा है, बोन बैंक उसका कमज़ोर है, तो आने वाले जीवन में 25 से बाद वो उसको परेशानी पैदा करता है, विशेषकर लड़कियों में जिनको प्रसव और जिनको गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. इसलिए 25 साल से पहले पहले हर किसी के लिए और विशेषकर लड़कियों के लिए अच्छा भोजन, अच्छी खुराक, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह की पर्याप्त मात्रा लेना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अपनी आने वाली ज़िंदगी में वो किसी भी तरह की जटिलताओं से न गुजर सकें. और इसके साथ साथ कुछ आदतें जैसे अल्कोहल का सेवन, धूम्रपान करना या कोला पदार्थ, पेप्सी, थम्सअप, ये इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये हड्डी के स्वास्थ्य को प्रभाव डालती हैं, हड्डियों को कमज़ोर बनाती हैं. और सबसे दुखद बात ये है कि जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं इनके कोई लक्षण नहीं प्रकट होते जब तक कि हड्डियाँ टूट नहीं जाती हैं, उसके बाद फिर भरपाई के रास्ते बहुत थोड़े बचते हैं. इसलिए इन चीज़ों का सेवन ना करें, एक सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, ज़िंदगी में व्यायाम करें. और व्यायाम करने के जो सबसे तीन सुगम उपाय हैं वो है तेज़ तेज़ चलना, साइकिल चलाना और तैराकी. ये तीन क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है, मानसिक संतुलन बना रह सकता है और आपको जीवन में एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका अदा करने में सहयोगी हो सकता है. कैल्शियम के बारे में कहा यह जाता है, कैल्शियम आपको दो जगह से मिलता है, या तो खाने से मिलता है या दवाओं के ज़रिए मिलता है.
एक सामान्य व्यक्ति को 1 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता रहती है। बहुत सी जगह पे जहां आप आहार से नहीं इसकी भरपाई कर पाते हैं वहां पे आपको दवाइयां लेना आवश्यक है, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और विटामिन के टू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को आपकी आंतों से एब्जॉर्ब कराता है और विटामिन के टू ही आपको उस कैल्शियम को हड्डी में जमा करने में मदद करता है। इसलिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और विटामिन के टू का सेवन भी ज़रूरी है। दुखद बात यह है कि विटामिन डी और विटामिन के टू सामान्य भारतीय भोजन जो कि वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है, उसमें उपस्थित नहीं होता है, जिसका मुख्य स्रोत नॉन वेजिटेरियन फूड या मांसाहारी भोजन है। तो ऐसे में दवाओं की, विटामिन डी और विटामिन के टू की दवाओं के जरिए पूर्ति आवश्यक हो जाती है, ताकि हड्डियां में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम शरीर में जाके जमा हो सके और हड्डियों को मजबूती दे सके। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो हड्डियों को मजबूत रखने में सहायक होते हैं, खासकर जोड़ों को, जैसे कि कोलेजन्स वगैरह आ गए हैं, तो उनका भी सेवन जहां ज़रूरत है करने से आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलता है। हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, जोड़ लचीले रहेंगे, आपको जीवन में कम से कम परेशानियां, हड्डी और जोड़ों की बीमारियों की आने की संभावना रहेगी।